Good afternoon, children. In this video, we'll talking about peptide bond. ठीक है? इस वीडियो में हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और दो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये दो अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है. ठीक है? मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसकी जो यूनिट होती है या उसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड्स. ठीक है? अमाइनो एसिड्स को मैंने बताया था कि ये दो टाइप की हो सकती हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को मैंने बताया था कि ये बहुत नेसेसरी होती हैं. ठीक है? इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है. ठीक है? इनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं होती है, हम इन्हें दूसरे फूड से या दूसरे सोर्सेस से इनको हम लेते हैं. दूसरी तरफ नॉन एसेंशियल की बात करें तो इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है या कह सकते हैं कि नहीं होती है, क्योंकि इनकी सिंथेसिस हमारे बॉडी के सेल्स में ही होती है, इसीलिए हमको बाहर से इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है? मैंने उसके बाद फिर बताया था कि अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि एक कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन होता है, उससे चार ग्रुप अटैच होते हैं, एक हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप, एल्किल, ठीक है, एल्किल ग्रुप और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है? और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं. ठीक है? और ये अमीनो एसिड्स किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? वो यही बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो अमीनो एसिड्स यहाँ पे लिया हुआ है, अमीनो एसिड्स फर्स्ट और अमीनो एसिड्स सेकंड. ठीक है? अब इन दो अमीनो एसिड्स को हम आपस में जोड़ेंगे. ठीक है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है. ठीक है? मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में से रिलीज होता है. देखिए, तो ये ये फर्स्ट अमीनो एसिड्स है, यहाँ इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे. ठीक है? ये दूसरा अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे इसका अमीनो ग्रुप है. तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, वो कैसे, देखिए यहाँ इसका OH, इसका OH और इस वाले अमीनो एसिड्स का H, मीन्स यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H2O यहाँ से रिलीज हो गया. और फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पहला अमीनो एसिड्स है जो वहाँ था, ये दूसरा वाला अमीनो एसिड्स है और इसके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और क्या बचा है यहाँ पे, जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CO और इस अमीनो एसिड का NH बनेगा, बचेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है? तो ये थे दो रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में मैंने लिया था क्या, अमीनो एसिड्स, फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड्स, और रिजल्ट में क्या बना, यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए हैं यहाँ पे. ठीक है? ये बॉन्ड है CONH, इससे आपस में दोनों जुड़ गए. ठीक है? इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स इसी तरह जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं. ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही. ओके, थैंक्स.